तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि मिक्सर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप लगा रहे हैं उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो आप अगर देखना चाहते तो पूरा देखिए, वरना यहीं से आप निकल जाइए, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा चीज की ज्ञान नहीं मिल पाएगा, आधा अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला जो चीज होता है भाई, मैं आज लिया हूं स्टूडियो मास्टर का डायमंड मिक्सर, चाहे दुनिया का कोई भी मिक्सर हो सेम है। आपको बस डिफरेंस क्या होता है मिक्सर पे, आपको यहाँ पे देखिए हाई मिड लो तीन नॉब यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाकी कोई मिक्सर अगर दुनिया का बड़ा मिक्सर होगा तो ये दोनों तो मोस्टली सेम रहते हैं, हाई और मिड। ये मिड सेक्शन को थोड़ा ज्यादा वो एलाबरेट कर देता है, जिसमें आपको हाई मिड सेक्शन यानी हाई और मिड के बीच में हाई मिड और लो मिड देता है, यानी लो और मिड के बीच में लो मिड। तो ये दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज है इसके लिए और दो नॉब वो दे देता है। ओके, तो हाल ये सारा चीज है, वरना बाकी ये मीड में एक बैलेंस मीड है ये, और बाकी अगर उसमें और थोड़ा क्लीन दिया जाए तो हर फ्रीक्वेंसी में हम छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि ये क्या होता है इक्वलाइजेशन, ये इक्वलाइजर बोला जाता है इसी सेक्शन को। तो इक्वलाइजेशन होता क्या है, सबसे मेन जो छोटा सा काम मैं आपको बता देता हूँ इक्वलाइजेशन का काम होता है, जो भी साउंड हम लोग पिकअप करते हैं यहां से, साउंड जो भी माइक से हो या लाइन से जो भी साउंड हम लोग पिकअप करते हैं, उसको क्या कमी है, उसमें क्या कमी है वो साउंड पे, या बेस ज्यादा आ रहा है या उसमें मरनेस आ रहा है, फटक आ रहा है, तो वो कितना पिकिंग लिया है, तो वो सारा चीज उसमें क्या कमी है उसको पूरा करना मेन काम है इक्वलाइजेशन। सही भाषा में अगर बोला जाए तो जो भी कमी है, जो साउंड हमने पिक किया है लिया है उसमें क्या कमी है उसको पहले पूरा करना है। दूसरा है जो अनवांटेड नॉइज है, हमिंग है, वो सारा चीज कम करना है, अनवांटेड चीजें जो भी है उसको कम करना। ये दोनों हमारा प्रोसेस है इक्वलाइजेशन का। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग को इक्यू क्या है, क्योंकि ये की वीडियो पे सारा चीज जानना है तो इक्वलाइजेशन क्या है जान लेना चाहिए। इक्वलाइजेशन हमने जान लिया, अब इक्वलाइजेशन में ये जो फ्रीक्वेंसीज है क्यों है क्या है, बहुत लोग पूछ सकते हैं ये चीजें। दोस्तों हमारे जो इंसानी कान है या हम लोग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की जो साउंड है हम सुन सकते हैं, उतना ऑडियो हम सुन सकते हैं, उसके नीचे का हर्ज हमको सुनाई नहीं देगा, उसके ऊपर हमारे कान डिजाइन नहीं है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में जो भी साउंड होगा हम उसको सुन पाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने इसको रेंज कर दिया है। 20,000 हर्ज यानी ज्यादा है यानी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर 20 हर्ज यानी कम है तो लो फ्रीक्वेंसी, लो है कम है तो 20 यानी लो यानी बेस है, यानी लो फ्रीक्वेंसी यानी ये बेस फ्रीक्वेंसी है, नीचे बेस बेस में है ना, नीचे है, तो बेसमेंट में, बेसमेंट में जैसे बोलते हैं ना बेसमेंट यानी नीचे है, नीचे मतलब लो है, लो में है नीचे है, तो इसको लो फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज होने का नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी बेस 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 यानी नीचे है, तो इसको आप याद रखने के लिए यूज होगा। हाई यानी ऊपर होगा, पूरा तिरछा ऊपर है, हाई यानी बहुत ऊपर है, ऊपर हाई यानी ट्रिपल है ये बहुत ऊपर है, और मीड मतलब बीच का जो है बीच में है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने, बहुत लोग लो फ्रीक्वेंसी बोलने से उनको पता नहीं होता कि बेस है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है सबसे पहला होता है सब ऊपर यानी सब बेस लेवल होता है, 20 हर्ज से हम शुरू करेंगे, 20 से 60 हर्ज तक है, 20 से 60 हर्ज तक का आपका होता है सब बेस लाइन यानी सब बेस रेंज हो जाता है, सब ऊपर जिसमें आप बोलते हैं। उसके बाद आपकी बेस लाइन आता है 60 हर्ज से 250 हर्ज तक का, उसके बाद आपकी आता है लो मिड यानी लो मिड यहाँ इसके बीच में आ जाएगी, लो मिड, लो मिड जो होता है 250 से 500 हर्ज के बीच में होता है यहाँ पे। उसके बाद मिड रीजन यही नॉब से आपको 500 2000 हर्ज यानी 500 से 2000 हर्ज यहाँ पे आप कष्ट कट पुश कर सकते हो, तो ये मिड फ्रीक्वेंसी का नॉब हो गया, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो उतना फ्रीक्वेंसी को। हाई मिड इसके बीच में आएंगी, हाई और मिड के बीच में हाई मिड जो कि 2 किलो हर्ज से यानी 2000 हर्ज से 4000 हर्ज तक का बीच की जो चीजें होंगे हाई मिड से क्लियर हो जाएंगे, और बाकी हाई रहा 4000 हर्ज से ऊपर जितना है यानी 20000 हर्ज तक का। ये जनरली मिक्सर में इतना ज्यादा नहीं देता क्योंकि 20000 आदमी सुनता नहीं, ये आपको 15000 या 12000 हर्ज तक का देते हैं हाई पे। अब हाई में एक चीज है जो कि जनरली कोई नहीं बताता, हाई पे हाई भी दो टाइप के होते हैं, एक एक बोलते हैं प्रेजेंस, दूसरा है ब्रिलियंस।
प्रेसेंस की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 4000 से 6000 हर्ट्ज जो होता है वो प्रेसेंस रेंज होता है। प्रेसेंस यानी हाई है लेकिन प्रेसेंस रेंज पे। ब्रिलियंस रेंज जो होता है 6 किलोहर्ट्ज यानी 6000 हर्ट्ज से आपका 20000 हर्ट्ज तक की ये होता है ब्रिलियंस। तो ये चीज हो गई आपकी इक्वलाइजेशन, ये जानना आपको जरूरी है क्योंकि जब आप इक्वलाइजेशन हाथ मार रहे हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होनी जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं ये जो नॉब है ये क्या है। ये नॉब है, इसमें देखिए +16 -16 किसमें क्या लिख सकते हैं, लेकिन हर मिक्सर में ये ऐसे रहता है। तो ये जो है ये -16 यानी यहां पे कट है, इस साइड जीरो, यहां पे जीरो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जीरो है यहां पे, बीच में जीरो है और इधर +16 पीछे -16। तो बीच में रखने से ये आपको फ्लैट बोल सकते हैं, पीछे जाएंगे तो इसको आप बोलते हैं कट, और यहां से अगर आगे आते हैं इसको बूस्ट बोला जाता है यानी इसमें बढ़ता है साउंड। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और जो साउंड की कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। तो ये फिक्स्ड स्विच है और कहीं कहीं पे आपको अगर मिल सकता है कि हाई मिड की अगर मिलेगी तो हाई मिड, अगर उसमें क्या होता है उसमें आपको मिल जाता है कि इसमें मिड सेक्शन में दो नॉब्स होते हैं, कहीं कहीं पे तो यहां पे ये एक ही जगह पे चार नॉब होते हैं। तो अगर एक नॉब है तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, एक में हर्ज होगा दूसरे में आपकी ही बूस्ट कष्ट की मात्रा होगा। तो हर्ज में जो हर्ज में आप सिलेक्ट किए नीचे वाला स्विच से बूस्ट और कट किए। तो ये होता है बड़े थोड़े बड़ा मिक्सर पे, ये मिड सेक्शन में हो सकता है कि दो नॉब देता है या चार नॉब, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी और जो बूस्ट कॉस्ट मिलके है उसमें क्या है वो अलग अलग दिया है, आप जो फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसको बूस्ट या कट करें, सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसमें बड़े मिक्सर में कन्फ्यूजन होने का नहीं है, चाहे दुनिया का जितना बड़ा मिक्सर हो कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। ये अगर 10 भी दे दिया ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर बेसिक चीज है तो सही चीज है आपको आता है सर। तो चलिए हम अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग अगर लेंगे तो लेते हैं हमारा, तो दोस्तों सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेंगे वो लेंगे बांजो, यानी बेंजो, जो किसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बेंजो या बांजो जो भी बोलो आप। तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम सबसे पहले चेक करेंगे बांजो का। देखिए जनरली बांजो का अगर सेटिंग आप करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप बांजो का सेटिंग करते हैं तो आप मोस्टली उसको फ्लैट ही रखें, बांजो का सेटिंग मोस्टली फ्लैट ही रहेगा, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। या तो आप देखिए कि जिस जगह पे आप हो सकता है कि हाई थोड़ा बढ़ा सकते हैं ये, लेकिन फ्लैट रखना है, मोस्टली फ्लैट रख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता भारत माता अगर कुछ नहीं आता तो सबको फ्लैट रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और चाहे तो आप थोड़ा सा हाइज बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा 60% पर हाइज बढ़ा सकते हो, हाई मिड अगर है मिड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और बाकी ये फ्लैट रहेगा, मिड लो ये सब फ्लैट रहेगा, इसको फ्लैट भी रख सकते हो। हाई मिड अगर होगा तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो क्योंकि हाई और हाई मिड ये दोनों थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, मिड आप फ्लैट ये फ्लैट रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका मतलब हाई बांजो में आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा साथ में और थोड़ा तीखा आएगा तो मजा आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, ओके। तो जी बिल्कुल, तो ऐसे आपको बैंजो का सेटिंग करना है। तो दोस्तों दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो है आपका कीबोर्ड, या आप बोल सकते हो उसको सिंथेसाइजर, कोई किसी को क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कीबोर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें आपका क्या रहेगा सेटिंग, देखिए जनरली तो आप अगर कुछ नहीं पता भारत माता सारा चीज फ्लैट है, मैं आपको बता देता हूँ फ्लैट रखना है। और गेन का थोड़ा सा बता दो, गेन अगर 40% पे आपका है सारे इंस्ट्रूमेंट का तो बेस्ट है, और नीचे भी जाता है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर इसके ऊपर यहाँ पे कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन देख के जाइए 60 गया तो मतलब आपका 50 तक चलेगा, लेकिन 40 पे यहाँ पे है तो अच्छा है। ये गेन का हो गया। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का क्या है, कीबोर्ड का देखिए आप फ्लैट रख सकते हैं, अगर सही आपको कुछ नहीं आता तो फ्लैट रखें,
नहीं तो वो आपको बहुत जगह पे आपको क्या होता है कि वो साउंड वाला भी बोलता है कि भाई इसे ऐसे कर दो, इतना कर दो, वो आपको बोल देता है। आपको बेसिक सा सेटिंग बस जाना चाहिए, ये जानना है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये दोनों को प्लाट करके इसको भी थोड़ा सा आप हाई इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, बस इतना ही। ट्रिबल थोड़ा बढ़ा सकते हो, बाकी सब प्लाट रख सकते हो। ये भी कीबोर्ड का बांझो, ये सारा चीज का आप पर्सनली सेम है, ज्यादा कुछ नहीं करने हैं। अगर वो बोलता है कुछ चीज को किसी को देने के लिए तो थोड़ा बहुत आप और एडजस्ट कर सकते हैं, वरना बाकी इतना ही रखना है। ये हो गया। और हारमोनियम की बात करते हैं, उसके बाद हारमोनियम में क्या होगा, देखिए मोस्टली हारमोनियम में भी ऐसे ही प्लाट ही रहेगा तो, लेकिन गाना के हिसाब से आप थोड़ा सा अगर चाहे तो, हाँ थोड़ा सा बेस कम कर सकते हैं हारमोनियम में अगर लेकिन वो भी हिसाब से है, लेकिन थोड़ा सा बेस आप कम कर दीजिए और बाकी आप प्लाट रख सकते हैं। बाकी दोनों को हाई फ्रिक्वेंसी मिड फ्रिक्वेंसी सब प्लाट रख सकते हैं, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है हारमोनियम में। थोड़ा सा अगर बेस कम करना चाहे तो बेस थोड़ा कम कर सकते हैं, वरना क्या होता है वो आपका गाने को ओवरलैप कर लेता है हारमोनियम थोड़ा सा, इसलिए बेस कम करें और इसका गेन भी कम थोड़ा रखें, बहुत कम ही रखें इसको हारमोनियम। हाँ अगर हारमोनियम आपका मेजर है, कीबोर्ड नहीं है आपका वहां पे, तो ठीक है आप हारमोनियम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, वरना उसका गेन भी कम कर रखे, या तो फेडर से या 40 करके फेडर से भी आप इसको नीचे थोड़ा कम कर दीजिए। ओके तो ये हो गया हारमोनियम का। अब फ्लूट का, भाई फ्लूट बांसुरी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो, या जो पवन वाले होते हैं, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पता तो भारत माता प्लाट ही रखना है, कुछ नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है थोड़ा बहुत कुछ माइक के हिसाब से अगर थोड़ा हो सकता है तो आपको हाइज थोड़ा सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं है, या तो आप कुछ मत करो, हाइज हाइज को सॉरी हाइज को फ्लैट भी रख दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मीड को थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो मीड को, लो भी फ्लैट रखो बांसुरी के लिए थोड़ा सा। अगर यार इसको ये बहुत नाजुक इंस्ट्रूमेंट है तो ये हाई लो दोनों को फ्लैट रख दो, और मीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, या तो अगर ज्यादा ज्यादा शार्पिंग आ रहा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपको कभी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है मीड को, थोड़ा सा घटाना पड़ सकता है, थोड़ा सा या बीच में आप रख दो, हो गया हिसाब से। अगर आपकी माइक का प्रियाम्स अच्छे हैं तो कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। फूंकने वाला अगर अच्छा फूंक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा ब्लोइंग कर रहा है फा फा ऐसे आ रहा तो आपको थोड़ा बेस भी कम करना है। ओके तो दोस्तों अभी जो पार्ट था वो है गिटार का प्लाट। बहुत लोग पूछते थे गिटार को प्लाट ही रखें क्योंकि उसके उनके इफेक्ट प्रोसेसर उनके साथ रहता है, उनके इक्विलेशन के लिए उनके पैडल्स उनके साथ रहता है मोस्टली, तो इसलिए वो लोग अपना सारा चीज कर लेते तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप प्लाट ही रखें। और अगर कहीं पे अगर सपोज गिटार वाला नहीं है तो वो जैसे बोलता है अगर थोड़ा सा हाई बढ़ा सकते हो, अगर बेस गिटार तो आप थोड़ा बेस बढ़ा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं करना है उसमें, बाकी प्लाट रखो और जैसे वो बोलता है उस हिसाब से थोड़ा शार्प करने थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना, बाकी आपको प्लाट रखना है क्योंकि मोस्टली उनके पास अपना खुद का औजार होता है, जैसे D3 और बाकी पैडल्स उनका पूरा रहता है जूम का, तो वो पैडल सुनकर रहते हैं, तो वहां पे आपको सारा चीज बस आपको इनपुट लेना है, गेन सेट करना है, बस खत्म अपनी मिक्सर के लिए मिक्सिंग करने के लिए बस उतना ही आपको। और दूसरा और एक चीज है दोस्तों ऑक्टोपैड का। ऑक्टोपैड का क्या है भाई, ऑक्टोपैड आपकी प्रोग्राम के ऊपर भी है सारा चीज का, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं प्रोग्राम के हिसाब से आपको अलग अलग सेटिंग करना है, लेकिन एक बेसिक सा सेटिंग अगर बताया जाए तो मोस्टली आपको फ्लैट ही रखना है, मोस्टली फ्लैट रखना है। हाँ अगर थोड़ा सा अगर चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर चाहे तो बेस थोड़ा सा ऑफ कर लीजिएगा, हाई थोड़ा सा ऑफ कर दीजिएगा। ये एक बेसिक सा सेटअप होता है जो कि आपको आपकी जो चॉक्स है वो भी अच्छे से बजेंगे और जो बेस पार्ट है वो भी अच्छे से बजेंगे, बस इतना ही है डिफरेंस है, क्योंकि इतना थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ज्यादा मत बढ़ाइए, बाकी मीड को आप मीड को सोचो फ्लैट ही रखे, ज्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, मीड फ्लैट रखे बाकी तो, क्योंकि उसमें पंचिंग पहले से वो प्याच होके रहता है, तो ज्यादा आपको ये दोनों भी प्लाट रखने से भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आप थोड़ा बहुत प्रोग्राम के हिसाब से इसको छेड़खानी कर, लेकिन ज्यादा नहीं करना ये दोनों को, वो भी अलग हो जाएगा। ओके ये एक हो गया। अब सबसे जो मेन चीज है तबला, भाई तबला का सेटिंग, भाई दुनिया का कोई भी अच्छा मिक्सर वाला सेटिंग कर लिया तो अच्छा है, तबला का जनरल सेटिंग हम लोग का रहता है सिंपल सा सेटिंग है एक्चुअली तबला का, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको, अगेन तो बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम करता है तबले में, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तबला, तबला में दोस्तों दो पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट है दग्गा यानी बड़ा वाला, दूसरा छोटा चाटी वाला या तबला जिसको बोलते हैं। तो बड़ा वाला जिसको मतलब बेस होता है, बड़ा हांडी बेस होता है जिसमें,
तो हैंडी के हिसाब से होता है, अगर वो मिट्टी वाला हैंडी है तो उसका अलग से आपको टोनल क्वालिटी मिलेगा, और जो आपकी नॉर्मल जो पित्तल वाले हांडी है वो भी मिलेगा, मिट्टी का है तो वो भी अलग मिलेगा, तो ये अलग अलग होता है। तो फिर भी एक बेसिक सा अगर रूल है, दगा यानी बेस में बेस उसको चाहिए, बेस वहां से निकलना चाहिए। इसलिए आपको इसमें मैं पहले फ्लैट कर देता हूँ, वहां सिखाता हूँ आपको। तो दगा में यानी जो बड़ा वाला है जिसमें बेस निकलता है, तो बेस यानी लो फ्रिक्वेंसी उसका थोड़ा 60% बढ़ा कर करके, सबसे पहला काम यही है। और दूसरा है हाई थोड़ा कम करें, ये जितना यहां आ रहा है ये उस हिसाब से इसको कम कर दिया, यहां पे मतलब इसको कम करा किया जाए। और मीड का दोस्तों क्या है, मीड आप फ्लैट भी रख सकते हैं या थोड़ा सा कम कर सकते, ज्यादा नहीं कम करना है, ओके थोड़ा सा कम कर सकते, क्योंकि ये जो मीड है यानी हाई मीड थोड़ा कम करें। मीड तो फ्लैट रहने से भी चलेगा, अगर हाई मीड आपका है तो थोड़ा सा हाई मीड जिसमें है उसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हाईज को हमको काटना है, सिंपल सी बात है, हाईज को ज्यादा हाईज नहीं रखना है, हाई थोड़ा कम करना है, बेस पार्ट में थोड़ा ज्यादा देना है। यही सेम चीज रिवर्स में हो जाएंगे जब आप इसको आपका चाटी लगाएंगे, ओके चाटी में क्या है ट्रिम, आपको याद रखे चाटी में आपको ट्रिबिल ज्यादा चाहिए, तो ट्रिबिल ज्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा एचएफ को बढ़ाना है, ओके एचएफ थोड़ा सा बढ़ाए, ज्यादा मत बढ़ाइएगा, थोड़ा सा बेस घटाना है, मेन जो काम है चाटी में आपको बेस घटाना है। ये दोनों आप चाहे तो फ्लैट भी रख सकते हैं, लेकिन मेन काम है बेस घटाना चाटी में, क्योंकि वो ट्रिबल पार्ट है उसमें बेस नहीं आना चाहिए, तो लो को आपको थोड़ा कम कर देना है। और मीड भी आप थोड़ा सा मीड, आपको मीड यहां पे क्या होगा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बेस डाउन है, मीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और भी थोड़ा स्वीटनेस आता है तो चलेगा, थोड़ा शार्पनेस आता है, तो ये चीज थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इतना ही है इसका। और हो गया तबला का, और बाकी रहा अगर सिंगल में बजा रहे हैं, सपोज सिंगल बजा रहे हैं तो तीनों का ऐसे कर दीजिए, इसको थोड़ा फ्लैट कर सकते हैं और ये दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर सिंगल एक माइक्रोफोन पे तबला बजा रहा है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर रखिए, क्योंकि आपकी हाई पार्ट भी रहेगी और लो पार्ट भी रहेगी। और सबसे मेन चीज दोस्तों एक्सलर का इस्तेमाल करें, ना कि जैक पिन का, एक्सलर केबल्स का इस्तेमाल करें तो थोड़ा अच्छा आपको बजेगा, ओके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाक का लिया हूं, तो इसे ज्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों वैसे वैसे ही ढोलक में आपको वही सेम चीज रिपीट करना है, जहां पे आपको बेस पार्ट जो है, बेस पार्ट में थोड़ा सा आप लो फ्रिक्वेंसी यानी बेस बढ़ाइए और हाईज को डाउन करें, जो जहां पे आपका जो बेस जहां पे बजता है, और जहां पे ट्रिबिल है वही सेम चीज आपको करना रिवर्स, ट्रिबिल में आपको लो फ्रिक्वेंसी का यानी बेस कम कर देना है, ट्रिबिल थोड़ा बढ़ा देना है, सिंपल तरीका है, बाकी कुछ नहीं करना है। दोस्तों अब जो मेन प्रॉब्लम है इसमें, देखिए ये बहुत सारे चीज मैं आपको आज भी बता देता हूं कि ये बहुत कंडीशन पे बात करता है। मेन चीज है आप कौन सा मिक्सचर यूज कर रहे हैं, किस टाइप का मिक्सचर है। देखिए इसमें इसकी ये पुराना स्टूडियो मास्टर मिक्सचर है, तो इसमें आपको वो प्रीएम्प्स इंप्रूव है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको प्रीएम्प्स नहीं मिलेंगे। इसकी जगह पे अगर यामा का मिक्सर होगा तो इसका प्रीएम्प और भी अच्छा रहेंगे, नए मिक्सर होंगे तो और भी उसके प्रीएम्प्स बहुत अच्छे रहेंगे। मिक्सर टू मिक्सर वैरी करता है, किसी में ओपन रहता है तो उस हिसाब से आपको गेन का सेटिंग करना है। मिक्सिंग करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, सेम टाइप की मिक्सिंग कभी एक दो चैनल में कभी मत करें, मतलब अगर 12-16 चैनल सब में आपको मिक्सिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखें, सेम टू सेम मिक्सिंग कभी ना करें एक ही टाइप का इक्विपमेंट में, ये ध्यान पे रखना रखना है। दूसरा चीज एम्पलीफायर कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी मायने रखता है, माइक्रोफोन कैसे यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन में भी आपकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स चेंज होते रहते हैं, कोई माइक्रोफोन में अच्छा बेस खींचता है, कोई माइक्रोफोन ट्रिबल ज्यादा खींचता है, उस क्षेत्र में आपको सेटिंग्स थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करना है। मैंने इसीलिए आपको बेसिक सा चीज दिया है कि आपको इंस्ट्रूमेंट की बिहेवियर पहचानना है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या चाहिए। और सबसे मेन चीज है आपकी हैंड्स जो होते हैं यानी जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं उनके ऊपर भी होता है। वो लोग अपना जब टेस्टिंग होता है, सबसे पहले जो टेस्टिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, सपोज जो चलाता है उसको आप 0% तक वही पेडल रखे, बहुत लोग क्या करते हैं इसको यहां तक लेते हैं, कोशिश करें हेडरूम रखने के लिए 0 तक मैक्सिमम जाए और ये आपका मिक्स भी 0 तक ही रहे तो आपका अच्छा मिक्स जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये मिक्सिंग ठीक से नहीं करते। मिक्सिंग एक आर्ट है, जितना अच्छा मिक्सिंग आप कर लोगे आप अच्छे ऑपरेटर बन जाओगे, आपका प्रॉब्लम भी हमिंग का प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक एक इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले अगर यहां पे तबला अंदर गया है इसका मतलब है आपको इसको इसका गेन सेटिंग करते जाइए, देखिए कितना तक आप जा सकते हैं,
जितना जहां पे ट्विंग क्यों मतलब आया तो उसे वहां से पीछे थोड़ा कर दीजिए। ये गेन नॉब बहुत ही खतरनाक नॉब है, इसलिए इसको रेड देखिए, रेड पे है ये सबसे खतरनाक नॉब। तो इसको थोड़ा जितना जहां पे सपोज आप बढ़ाते गए, जहां पे गेन आगे आपका हमिंग, तो वहां से थोड़ा पीछे कर लीजिए। तो ये मैक्सिमम गेन इसका है, अभी ये सेट नहीं हुआ, ये मैक्सिमम गेन है। इसको सेटिंग तब करिए जब आप सारे इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही सारे इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके चेक कर लीजिए, पहले इंडिविजुअल चेक करें और सबको एक साथ बजाइए, उनका सबका लेवल सेट करें आप सुन सुन के मॉनिटर पे, और उसके बाद आप सबको बोलिए कि भाई एक साथ बजाओ, एक साथ कोई भी गाना बजाओ, तो वहां पे आप देखिए हमिंग आ रहा है तो किस पे हमिंग आ रहा है, तो वहां पे क्लिपिंग का बटन जलेगा। और पीएफएल अगर है तो जहां पे कुछ कुछ जगह पे यहां पे पीएफएल दिखेगा, पीएफएल अगर यहां पे तो पीएफएल नहीं है, नए मिक्सर में पीएफएल होता है तो पीएफएल दबा के भी आप देख सकते किसका सिग्नल ज्यादा जा रहा है, तो आप उसमें आप इसको डाउन करें। इसमें पुराने में क्लिप चलता है जिसमें, वहां पे थोड़ा डाउन करे, गेन थोड़ा कम कर दे, सबसे मेन है गेन कम करना। ये तो फेडर है, आप जितना गेन पे इसको ज्यादा मोड़ के अगर आप इसको कम करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है इसमें, आपको इसी को ही आपको एडजस्ट ज्यादा करना है। इसको जीरो तक ही रखे, ज्यादा इमरजेंसी पड़े तो थोड़ा आगे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिक्स जीरो करके लास्ट मिक्स अगर जीरो तक ही जाता है तो आपका बेस्ट मिक्स होगा और आपकी ग्रीन तक पे रहेगा, तो ये वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा थोड़ा स्पाइक जा सकता है लेकिन मस्त, मतलब आउटपुट आपकी क्लीन एंड क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर आउटपुट रहेगा। तो ये था दोस्तों आपको मिक्सिंग के बारे में बता दिया सारा चीज, तो जो लोग यहां तक वीडियो आए हैं बिल्कुल, और आप लोग दोस्तों कॉमेंट सेशन जरूर देखिएगा। सबसे मेन चीज दोस्तों है कि इंस्ट्रूमेंट का टोन भी कैसा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे सेटिंग, सिचुएशन के हिसाब से कौन से स्टेज पे आप काम कर रहे हैं वो सारा चीज मायने रखता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत भी छेड़खानी इक्वलाइजर के साथ करना पड़ेगा। मैंने जो चीज बताया वो बेसिक सा चीज है, और आपको टोन पहचानना है, और बजाने वाले के ऊपर भी, उसके हैंड अगर अच्छा है तो वो भी उस वहां से ज्यादा अच्छा बेस निकाल सकता है। कुछ कुछ बोलते हैं कि अच्छा स्वीट हैंड है इसका, तो वही सेम चीज है कि अगर वो अच्छा बजा रहा है, उसका हैंड्स में दम है, तो वो अच्छे अच्छे बेस निकालेगा। तो यहाँ पे आपको गेन बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कुछ हैंड्स ऐसे अच्छा से नहीं बजाते जिसके चलते आपको यहाँ पे गेन बढ़ाते बढ़ाते आप बोलते हैं यार अच्छा नहीं बज रहा है, वो बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। तो हैंड्स के ऊपर भी है, और हैंड भी आप जो अच्छे हैंड्स होते हैं वो आपको गाइड भी कर लेंगे कि मेरा थोड़ा सा ट्रिबल बढ़ाओ, थोड़ा सा मीड बढ़ाओ, तो आप बस ये तीनों नोब से आप एक्वायर्ड हो गए। वो अगर बोलता है थोड़ा बेस बढ़ाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लो बढ़ाना है, और अगर बोलता है थोड़ा शार्पनेस बढ़ा दो तो हो सकता है मीड थोड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारे चीज के बारे में बता दिया कि आपको कैसे करना है, मिक्सिंग कैसे करना है। मिक्सिंग सिंपल सा एक आर्ट है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन सबसे जो मेन चीज है ये गेन का नॉब है। ये गेन बहुत सारे कारण है, बहुत सारे प्रोग्राम के खराब होने का मेन कारण वही गेन, इसलिए इसको रेड पे दिया गया है। इसमें देखिए गेन आपको बहुत सारे, जैसे मिक्सर की प्रीआम्प, जैसे मैंने बताया प्रीआम्प मिक्सर का कैसा है, क्वालिटी ऑफ ओआर कैसा, ओआर आपने इस्तेमाल किया है, जैसे एक्सएलआर का ओआर है, एक्सएलआर ओआर भी यूज किया है, लेंथ ऑफ ओआर कितना, लेंथ का ज्यादा लेंथ का तो नहीं है तो वो भी मायने रखता है। क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसे है, अच्छा क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो टोन उसके अच्छे रहेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है जो कि आपकी गेन को प्रभावित करता है। और जैसे बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो हैंड बजा रहे हैं, हैंड्स जिसको बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो बजाता है उसको हैंड्स बोला जाता है, तो वो हैंड्स कैसे हैं तो बजा रहे हैं, तो वो वाले अगर अच्छा नहीं बजा रहे हैं तो वो तो आर्टिस्ट बहुत खराब है। और उसके बाद माइक्रोफोन कैसा है, उसके ऊपर भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत मात्रा में प्रभावी होता है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, और कमेंट सेशन में जरूर भी आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और आप अगर कोई स्पेशल सेटिंग भी जानते हैं सिचुएशन के हिसाब से तो वो भी आप बता सकते हैं कि कैसे और भी सेटिंग आप कर सकते हैं, तो वो भी है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं कि ये फाइनल सेटिंग है, लेकिन ये जो टेक्सचर है ये है एक तरह से एक बेसिक है कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को आपको ऐसे ही सेटिंग करना है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कहीं अगर आपकी ये जो चीजें मैंने बताया कि ओआर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, हाँ बजाने वाले अगर आपकी गलत निकल गए तो वो सारे चीज में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है और भी बढ़ाना पड़ जाए। अगर बेस बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो बेस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर शार्पनेस बिल्कुल नहीं है तो आपको मीड बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, या ज्यादा शार्प हो गया तो थोड़ा कम घटाना पड़ेगा। ओके, और हाई फ्रीक्वेंसी अगर ट्रिपल बहुत ज्यादा है तो घटाना ही पड़ेगा आपको, इसको घटा के बेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको वहां एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, तो जब जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको सारा चीज पता चलेगा, लेकिन एक एक इंस्ट्रूमेंट पहले बजा के सेट करें, उसके बाद आप उनको सबको एक साथ बजाइए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा जो भी थोड़ा थोड़ा करें। ओके, ज्यादा आप लाइव प्रोग्राम में ज्यादा छेड़खानी मत करें, लाइव प्रोग्राम में जाकर गेन का थोड़ा बहुत अगर आप ट्राई करें या फेडर से थोड़ा बहुत अगर करना चाहे कर सकते हैं।
बड़े बड़े मिक्सर में तो आपको ग्रुप मिल जाता है, ग्रुप में तो आप सारे को ग्रुप में डाले इंस्ट्रूमेंट, अगर वोकल सपोज ये आपका ग्रुप वन ये ग्रुप टू, ग्रुप वन में सारे सिंगर का वोकल है और ग्रुप टू में आपका इंस्ट्रूमेंट का वोकल है। सिंपल चीज बता देता हूँ, अगर सपोज कोई सिंगर ज्यादा यहाँ जीरो पे आप है, सपोज आपको लग रहा है कि भाई सिंगर का आवाज इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है या कम है, सपोज कम है, ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा ऊपर होता है और सिंगर की आवाज ये कम होता है, तो आप क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट डाउन करना है तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा डाउन कर दो, थोड़ा सा डाउन कर दो सुन सुन के, क्या ठीक हो गया, हाँ बैलेंस हो गया, ओके। तो जीरो से आप नीचे जाइए, ऊपर मत जाइएगा, अगर सपोज ये ज्यादा है तो इसको बढ़ा लीजिए, जीरो कर लीजिए, या ये जीरो पे है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा, आप अपने हिसाब देख लीजिए लाइफ, आप थोड़ा सा कम करेंगे तो चलेगा, ज्यादा इसको अच्छे से मत करें, बस दो फेडर से आपका काम हो गया और बाकी कुछ नहीं करना है। अगर व्हिसिल कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप गेन का भी कंट्रोल कर सकते हैं, या तो थोड़ा आपका जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का अगर व्हिसिलिंग कर रहा है, एम्पलीफायर का आप चाहते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग मेरा बहुत ओके है लेकिन फिर भी आ रहा है व्हिसिल, तो थोड़ा सा आप क्या करें, जो भी आपके एम्पलीफायर है उसका नॉब को थोड़ा सा साउंड जो गेन मतलब जो मास्टर है उसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, हमिंग चला गया फिर नॉर्मल कर दीजिए, हो गया, सिंपल सा तरीका है और काम करते रहिए आराम से, ओके। और भी आगे मिक्सिंग के बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों का इजाजत हो तो ये वाला हमने बनाया था, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, बहुत लंबा वीडियो है मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग धैर्य में लास्ट तक रुके होंगे उनको फायदा मिला होगा। वीडियो को शेयर करें बहुत लोगों तक, क्योंकि बहुत लोगों को मिक्सर का सेटिंग बेसिक सेटिंग भी नहीं आता है, ये बेसिक सा क्लास था, पूरा टोटल ट्यूटोरियल आपको दिया गया है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।